ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम आ चुके हैं फिर से जूडियो। एक्चुअली मैंने जो लास्ट वीडियो की थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था ऑडियंस का, एंड ऐसा था कि उसमें मैंने सिर्फ बॉयज़ का स्टॉक दिखाया था क्योंकि गर्ल्स का मैंने कुछ नहीं दिखाया था। इस बार मैं जाऊँगा अंदर, पहले मुझे जितना हो सकेगा मैं गर्ल्स का स्टॉक दिखाऊँगा आपको। वहाँ गर्ल्स के लिए क्या क्या अवेलेबल है, मैं बहुत शाई हूँ तो मेरी बहुत फट रही है, सीधी सी बात बताऊँ। बट मैं अंदर जाके शूट करूँगा जितना मुझसे हो पाएगा, बाद में बॉयज़ वाले सेक्शन में जाऊँगा, दिखाता हूँ वहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ होगी। एंड फर्दर मुझे अपने लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है वहाँ से और, एंड बस बाकी आप देख लो कैसा बनता है वीडियो, एंड मैं सब्सक्राइब द चैनल एंड चले अंदर फिर। सो अभी चलते हैं अंदर एंड दिखाते हैं आपको सबसे पहले क्या क्या स्टॉक रहता है इधर का। गाइज मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, इस गर्ल सेक्शन में मैं इकलौता लड़का हूँ। पहले मैं आपको शूज़ दिखाता हूँ, ये इधर के शूज़ हैं सारे, एंड यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह हैं। आई डोंट नो, मैं ये व्लॉग शूट करते करते बहुत शर्म आ रही, बट ये सारा स्टॉक है यहाँ पे 299 का स्टॉक, आप चेक करो। फर्दर यहाँ पे भी हैं लड़कियाँ, जो भी देख रही हैं इस वीडियो को आई होप सब्सक्राइब करेंगे मेरी इस मेहनत के लिए। आई एम वेरी शाई गाय इन रियल लाइफ, डूइंग जस्ट फॉर गर्ल्स वाला पर्पज़ की, देखते हैं तुम लोग का भी कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बस बॉयज़ वाला स्टॉक दिखाया था। तो एक बार शूज़ का सेक्शन ये है, इधर पर भी कुछ लगे हुए हैं फ्लिप फ्लॉप टाइप एंड नॉर्मल स्नीकर्स, चेक कर लो। वो तो यूनिसेक्स हैं, ऊपर भी देखे थे लास्ट टाइम आपने। एंड अब दिखाते हैं यार यहाँ पे फुटवेयर बहुत ज़्यादा लड़कियों का, लड़कों का तो इतना वैरायटी नहीं थी। सो ऑलमोस्ट आपको एक आइडिया हो चुका है स्नीकर्स वगैरह देख के, सो हम चलते हैं कुछ और दिखाता हूँ मैं। एक्चुअली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट अब दिखाना। गाइस गर्ल सेक्शन में अकेले घूम रहा हूँ मैं कुर्ती वाले इसमें, यार मेरे को बहुत शर्म आ रही है, मैं अपना चेहरा कैसे छुपाऊँ, आप लोग के लिए करना पड़ रहा है। अगर मैं दिखा दूंगा आपको स्टॉक क्या क्या है, मैं लिटरली बहुत शाई फील कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लड़का कोई भी नहीं मेरे अलावा। 699 में यार ये सब है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, मतलब मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लो क्या है क्या नहीं। वीडियो के एंड में लड़कों के लिए भी दिखा दूंगा कुछ जो नया स्टॉक आया है, क्योंकि खुद के लिए भी कुछ ना कुछ परचेज करूँगा, मैं आया ही हूँ यहाँ। ये यहाँ पे अभी इसका स्टॉक है, एंड मुझे नहीं पता लिटरली ये कुर्ती है क्या है, सूट है, मुझे कुछ नहीं पता, बस जस्ट जस्ट चेकअप की अगर ये सब मिलेगा अगर आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे कुछ और फर्दर स्टॉक लगा हुआ है बहुत सारा, प्राइस में अगर आप इसका देख के बताता हूँ तो कितना है, 699, तो चेक मारो। ये वैरायटी तो बहुत है यार, ये तो गलत बात है, हम लड़कों के लिए बहुत कम होता है, 399 में यहाँ पे इतना रखा हुआ है, चेक करो यार ये सब। गाइस लोअर्स में कुछ जीन्स वगैरह हैं लड़कियों की, यहाँ पर चेक कर लो, ये हैं कुछ जीन्स, एंड यहाँ पे भी हैं, कलर प्यारा है, डोंट नो कैमरा में आ रहा है वैसा कि नहीं बट कलर प्यारा है, 5-6 हैं यहाँ पे। और एक बार चेक करो ये यहाँ से गर्ल्स का स्टॉक, मैं एक ही बार दिखा दूँगा जितना कुछ है, 699 ये सब, ये एंड यहाँ से भी कुछ है। सो अभी हम चलते हैं ऊपर एंड अपने बॉय सेक्शन में दिखाते हैं, यहाँ पर आगे ना नेल पेंट्स वगैरह भी हैं, बट एज मुझे कुछ करना नहीं उनका था, मेरे को बहुत शर्म आ रही वहाँ जाने में, मैं सीधा अभी बॉय सेक्शन में जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो जितना था गर्ल्स का ऊपर ही चलता हूँ, बाकी एक बार स्टोर का आइडिया हो चुका होगा, बाकी आके देख सकते हैं आप। यार मैं आप लोग के लिए एक बार आ चुका हूँ नेल पेंट्स एंड लिप कलर्स वाले स्टॉक में, एक बार चेक करो यार, करना पड़ रहा है फॉर माई फीमेल ऑडियंस। अब इस सब के लिए तो यार मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, कुछ परफ्यूम्स भी हैं, एंड यहाँ पर मैं हूँ अकेला शर्म के मारे लड़कियों वाले काउंटर में, तो एटलीस्ट इस सब के लिए यार सब्सक्राइब करना। यार नेल पेंट्स की शेड्स बहुत है भाई, मुझे कुछ नहीं नॉलेज, मैं बस दिखा रहा हूँ, प्राइस देख लो इतनी सारी है, एंड नेल पेंट्स भी ऑलमोस्ट 99 के आसपास है शायद। यहाँ पे कुछ और वैरायटी, बट यहाँ पे यार आंटी लोग हैं, मेरे को जाने में शर्म आ रही, मैं नहीं जा रहा, बाकी देख लिया यार जितना था इतना, तो ऊपर ही चलता हूँ मैं, लड़कों वाला स्टॉक दिखाता हूँ। बाकी शूज़ के लिए मतलब यार ट्राई कर सकते हो, फाइन एंड फॉर गर्ल्स लाइक 24 to 28, ये स्लीपर्स वाला कुछ अच्छा स्टॉक है, मतलब आई कैन सी दिस। अब इतना मुझे इसने नॉलेज है क्योंकि मेरी भी घर पे दो बहन है, तो उनके साथ तो बहुत शॉपिंग की है। बाकी फुटवेयर तो ठीक था, इतना मुझे इसलिए नॉलेज है लड़कियों के स्टॉक का कि रीज़न बीइंग मेरी खुद की दो बहन है, और मैं घर पे पहले तो मम्मी और दीदी के साथ बहुत शॉपिंग की, उनके पीछे पीछे बैग संभालने का काम किया है बहुत, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप चेक करना चाहते हो लड़कियों में तो एक बार आके विजिट कर लो।
बाकी बहुत सा स्टॉक अच्छा है। तो अभी चलता हूँ मैं ऊपर एंड बॉयज़ वाला स्टॉक दिखा के निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे वॉरेट पे फ्लर्ट देख रहे होंगे, बस उससे हो रहा है, शाइनेस से लगता होगा लोगों को मैं रियल लाइफ में शाई नहीं होगा, बट मैं बहुत शाई हूँ, बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरा सीरियसली, जितना भी शूट कर पाया काफ़ी, तो छुप छुप के कर रहा हूँ। अभी ऊपर चलते हैं सीधा। सो फिर से पहुँच चुका हूँ बॉयज़ वाले सेक्शन में, सो हियर आई एम। तो लास्ट टाइम मैंने इधर का ब्लॉग किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का, तो इसीलिए भी फिर से हम इधर पे एंड बॉयज़ वाला स्टॉक जो वो चेक करवाऊंगा आपको, बाकी गर्ल्स वाला आपने देख लिया होगा क्या क्या है क्या क्या नहीं, एंड देखता हूँ यहाँ पे मेरे को आज क्या पसंद आता है। ये तो बच्चों वाला स्टॉक है, इसे उस साइड आगे होगा बॉयज़ का, वहाँ चल के दिखाता हूँ क्या क्या नया आया हुआ है। सो बॉयज़ के सेक्शन में सबसे पहले शूज़ कवर कर रहा था मैं, बस ये वाली एक वेराइटी नई है, बाकी स्टॉक में कुछ रिफिल नहीं हुआ, इवन जो पुराने स्नीकर्स थे वो भी गायब हो चुके हैं, ये एक दो इनमें से कलर नए आए हुए हैं बस। लड़कों के लिए मेरे को बस एक चीज़ अच्छी लगी, वो है शॉर्ट्स, मतलब एक तो यहाँ पे जीन्स के जो शॉर्ट्स हैं जो अच्छे हैं, यहाँ पे दूसरा कलर है, मतलब उसका जो स्टॉक अच्छा है, साथ में शर्ट्स का भी कुछ अच्छा स्टॉक रखा है, जीन्स भी इनने ठीक ठीक नहीं डाली है, एंड यहाँ पे मेरे को एक जीन्स पसंद आई है जो कि यहाँ पे रखी हुई है, मे बी आई एम प्लानिंग कि मैं ये शायद खरीदूँगा, तो ये वाली जीन्स मेरे को पसंद आ गई है, मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ इसको ख़रीदूँगा। तो अभी इसमें और इस वाली जीन्स में अकड़ बकड़ बम्बे वो करूँगा, जो जीतेगी जीन्स वो वाली लूँगा। सो यू टेल मी कौन सी लेनी चाहिए थी मुझे, बाकी कुछ ज़्यादा नया लड़कों का स्टॉक नहीं आया, शर्ट्स हैं कुछ आई हुई हैं, लेकिन बाकी शॉर्ट्स का मैं बोलूँ ना, ये जो यहाँ पे लगे हैं काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं, एंड शॉर्ट्स कुछ वहाँ पे भी आगे लग गए, बट लोअर्स में नो वेराइटी न्यू, एंड टी शर्ट्स जो मैंने लास्ट टाइम देखी थी ना सेम वही है, सेम वही। सो अभी यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह उठाए एंड एक दो जीन्स उठाई हैं, तो इनका ड्रेस ट्रायल रूम बहुत सेक्सी है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इनमें से मे बी दो से तीन चीज़ों में उठाऊँ, तो अभी कैमरा बंद करके ट्राई करते हैं, वाह क्या सीन है, ताकि नहीं तो सेंसर कॉपीराइट पड़ जाएगा, तो अभी मिलते हैं ट्राई करके। सो एक शॉर्ट्स चेक करने का तरीका बताता हूँ आपको, जब भी आपको लेना हो Always try to just do a deep squat. If you are comfortable in it, then that's perfect for you. But color पसंद नहीं आया मेरे को, ये वाला pick कर रहा हूँ। क्या क्या करना, bubble का क्या कर रहा है? क्या पता फुलाना, लेकिन क्या फुलाना, हम bubble फुलाएंगे, ये उम्र है हमारी, bubble फुलाने वाली उम्र है। ये मेरी video बनाने। हाँ तो तुम मुझे मेरे को पकड़ क्यों रहे हो तुम? बीस कुछ नहीं होता, पर ठीक है थैंक यू, मेरे को गिफ्ट मिल गया, ओके बाय, ओके बाय। गाइस बच्चा इतना दिलदार था, आपने फ्री में क्यों दे दिया मुझे पहले बताओ, फ्री में रख दी तो फिर फ्री में दे दिया, ये ले 30 रुपीज, खुश है अब सच में भैया, अच्छे इंसान है नहीं है भाई। सॉरी जैसे डोमिनोज, अभी यहाँ पे कुछ नया पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, कुछ खा के निकलते हैं फिर यहाँ से। सो ट्राई करूँ पहली बार ये पास्ता पिज़्ज़ा, इसको ट्राई करके निकलते हैं यहाँ से, एंड इस ब्लॉग को इतने रखते हैं, फर्दर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।